नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक स्पेस को, जो कि बहुत ख़राब हालत में होता है और ऑलमोस्ट छोटे बजट में, बहुत छोटे बजट में, उसको किस तरह से इस कंडीशन में लाया जाता है कि जहाँ पे आप रह सकें और एक उसको घर की शेप दिया जा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने साथ रहे ये कंडीशन में, ये है आपका टारगेट जो आपको चेंज करना है। ओके, समझ लीजिए। अच्छा, ये इनिशियल शुरुआत है जो आपको मिली थी। बिल्कुल। कितना पुराना बिल्डिंग है ये सर? कम से कम भी 15 इयर्स। 15 साल पुराना। ओके, कंडीशन से लग ही रहा है एक्चुअली, है ना? 15 साल कंडीशन ही। आई नो। चलिए ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज, लेट्स सी। ये ऐसा है, चलिए लेट्स चेक आउट। और पीयूष जी हमारे साथ में, अभी पीयूष जी से बात करते हैं। लेट्स चेक आउट के अंदर क्या किया है इन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। चलिए इधर से चलते हैं अभी हम। हाँ जी, चलिए। अच्छा, ये है एक आपका सिग्नेचर। ओ, सफर यहाँ से शुरू होता है? इट गोज ऑन हियर। सफर यहाँ खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक्चुअली दूसरा सफर शुरू होता है। पीयूष जी, हेलो सर। हाईलाइट से लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके साथ कर चुके हैं। क्विकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के। बिल्कुल सर, बताइए। सर, माय कंपनी नेम इज फैंटनी डिजाइन, जो लोकेटेड है नोएडा में एंड इंदिरापुरम में जी। एंड हम ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल्स एंड रेजिडेंशियल्स प्रोजेक्ट में डील करते हैं, कंप्लीट फर्नीचर्स एंड इंटीरियर्स। बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दोनों आपके कंट्रोल में होते हैं। बिल्कुल सर। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वेरी अनफॉर्चुनेट, और मिल नहीं पाए आपसे। बिल्कुल सर। हर प्रोजेक्ट आपका जो है यूटिलिटी ओरिएंटेशन जो है उसका यूटिलिटी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मेन फोर्टे हमारा जो है यूटिलिटी निकालना होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो फ्लैट साइज होते हैं सर, वो बहुत छोटे होते हैं जी, बहुत स्मॉल साइज फ्लैट्स होते हैं, तो जिसमें क्या है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लोग ज्यादातर इसलिए याद करते हैं जी कि मैं उनकी स्पेस को किस तरीके से बेटर एंड किस तरीके से स्पेस वाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल, इसकी बिफोर की पिक्चर्स हमने ऑलरेडी देख ली है, शॉट्स भी हमने दिखा दिए। बाहर बहुत खराब हालत में था। बिल्कुल सर। और अब हम दूसरे नजरिए से आपके साथ सफर शुरू करेंगे। बिल्कुल। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई बिलीव दैट यू हैव अ, आई मीन आई एम श्योर देयर विल बी अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द ओनर्स, तो वो एक फर्क आता है दिस ओनर्स आपके ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर चीज चलती रहती है। दूसरा होता है कि जहाँ पे आपके अग्रीमेंट्स होते हैं वो आप बता दीजिएगा, जहाँ पे आप दोनों म्यूचुअली अग्रीड थे। एक पॉइंट और आता है जिंदगी में, वो आता है कि आपको लगता है कि अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कर्टेंस, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, अग्रीमेंट भी है, पर आपको अगर मैं कहूँ कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या है तो वो भी आप ऑप्शन मुझे बता देंगे सर। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि आप क्या सोच पाते हैं, कहाँ हम क्या, हमारा वो क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ होराइजन वी कैन टच। ठीक है, चलिए मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। बस एक चीज और बता दें व्यूअर्स को क्विकली, यू हैव डन मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सर। 500 से ऊपर प्रोजेक्ट कर चुके हैं? नहीं सर, मेरे अराउंड ऑफ, अब हमारे तो 500 के 600 के नियर अबाउट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आई एम स्टिल देयर। 2 साल पहले पे जो आपने 500 बोले थे, 571 थे हमारे, अब अराउंड ऑफ उससे भी प्लस हो गए है। बट जो आपकी वीडियो के हिसाब से मेरे शूट्स अराउंड ऑफ 67वां शूट है ये। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन, वेरी नाइस। बिल्कुल सर। और 500 से 700 प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, एंड ऑफ द वीडियो हम पूछेंगे कौन कौन से स्कोप ऑफ वर्क है और कौन कौन से सिटीज में हम अवेलेबल हैं। चलिए मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। कुछ ऐसा हमारी कंडीशन थी डोर्स के शुरू में, राइट या लेफ्ट? MDF के डोर्स हमें सर लगे हुए मिले थे, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अपना, देन आपके राइट वाला। ठीक है, डन। और अब हम दिखाते हैं कि ये कैसा हो गया है। बिल्कुल। ये देखिए, ये दिस इज द फाइनल वर्जन। बिल्कुल सर। सेम डोर है कि चेंज किया है? नहीं नहीं, चेंजेस हुए हैं सर। और थोड़ा बड़ा नहीं हो गया है? बड़ा भी डोर करा है, थोड़ा स्पेस भी निकाला है, एंड देन पूरा रीडू हुआ है न्यूली डोर पे। देन हमने पूरा हाई ग्लॉस इसमें हमने लेमिनेट्स यूज करी है, एंड बीच में हमने इसके अंदर रोज गोल्ड की 4 इंची की पट्टी इंस्टॉल की है। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपको घर में लग्जरी एड देना है या लग्जरी का इंपैक्ट देना है तो डोर साइज आपके ऊंचे और चौड़े होने चाहिए, थोड़े से ब्रॉड होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ये क्या साइज है डोर का सर? ये हमारा क्या बोलते हैं, 3.5x7 फीट है। 3.5x7 फीट, पहले से थोड़ा 1-2 फुट ज्यादा है। बिल्कुल सर, पहले 3x7 था सर। ठीक है, अब जो हमने इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, हमारे पास में यहाँ पे स्पेस था तो हमने उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लिया। राइट, और यहाँ पे हमने WPC लूवर्स दिए। बिल्कुल सर। ओके, एक छोटा सा लुक क्रिएट किया, लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं अभी। ओके, बहुत कॉम्पैक्ट है। कितना स्पेस है ये सर? ये टोटल अराउंड ऑफ आपका 1100 स्क्वायर फीट।
टोटल एरिया, टोटल एरिया पूरे फ्लैट का? हाँ जी पूरा सुपर एरिया। और कवर्ड की बात करते हैं तो 900। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्पेस की जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम है प्लस छोटा सा डाइनिंग है, छोटा सा डाइनिंग एरिया है। डन। ये कितना स्पेस में सर? ये ओवरऑल माने तो 25x12 का एरिया है ये ओवरऑल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपरली हमने जो है पूरा सिटिंग सेक्शन क्रिएट किया है। एंड देन अपना पूरा आप देख सकते हैं 3.5x3.5 की सेंटर टेबल भी है। मूवमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट महसूस नहीं होगा जी। मैंने इसमें एक छोटा सा स्मॉल टाइप ऑफ आपका डाइनिंग टेबल डाला है 4 सीटर। देन मेरा इसके पीछे जो है वो बालकनी है हमारा ड्राइंग रूम का, और एक इसमें छोटा सा मैंने टीवी कंसोल भी क्रिएट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल टीवी कंसोल बनाया है जिसके पीछे वॉल ही नहीं थी। अच्छा। इसकी मैं आपको अपनी असली कलाकारी दिखाऊंगा सर जी जी। कि देन यहाँ पे हमारा ये एक पीछे एक स्टोर रूम था। अच्छा। जिसको पहले मैंने पूरा इसमें से रिमूव किया है, देन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था जी। तो देन पहले पूरी मैंने वॉल इसको क्रिएट की है, ठीक है। देन मैंने उसके बाद इसमें एक टीवी कंसोल क्रिएट किया है जी। अब टीवी कंसोल ये इसके क्या हो गया, आपके जो आपका स्पेस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड और स्पेस डिवीजन होने की वजह से आप उसको अलग से यूज कर पाए। उसको अलग से भी है सर, उसमें भी मैंने किया है सर। मैंने बैक साइड में बुक शेल्फ यूनिट ले लिया है ताकि आपको, मैंने वॉल नहीं क्रिएट करी, नहीं तो हम 4 इंची की वॉल क्रिएट करते, पट्टी करते, पुट्टी करते तो मेरे 6 इंचेस का स्पेस चला जाता। तो मैंने क्या करा सर, बैक में प्लाई से करके देन मैंने पूरा पीछे बुक शेल्फ दिया है। अच्छा। मैंने क्योंकि पीछे इनके लिए एक छोटा सा स्टडी यूनिट बनाया है तो देन उसके लिए मैंने उनके बुक शेल्फ भी दिया है। चलिए, आपने 2-3 चीजें इसमें बताया जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट एल कॉर्नर होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस में ज्यादा अच्छा होता है, 3-3-1-1 नहीं करते बिल्कुल सर। दूसरा आपने बताया कि यहाँ पे 4 सीटर दिया है, डाइनिंग जो है आपको लगभग 1-1.5 फीट के आसपास का एरिया आसपास चाहिए। बहुत सर, ये देखिए मेरा 2-2 का चारों तरफ से मैंने पूरा स्पेस, पूरा इक्वल स्पेस छोड़ा है। चलिए, इसमें अब हम 2-3 चीजें पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कर्टन से यहाँ पे जो एक कलर कोऑर्डिनेशन हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है इसमें, बिल्कुल तो ये अपना ओपिनियन रहा या ओनर्स का? सर देखिए, इसमें एक्चुअली में क्या है कि अपना ओपिनियन भी, हमारी भी ओपिनियन काफी रही है और कस्टमर की ओपिनियन भी काफी रही है जी। तो जैसे जैसे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, जो चीजें उनको पसंद आ रही है तो उन्होंने भी हमारे को गाइड किया है एंड देन हमने भी उनको गाइड किया है। बट सर इस फ्लैट की रियलिटी में मैं आपको बात बताऊं तो आफ्टर बिफोर मैं आपको काफ़ी सारी इसकी फोटो शेयर करूंगा, तो एक बार अपने व्यूवर्स को दिखाना जरूर चाहूंगा कि ये बहुत ही पुअर कंडीशन में था जी। और जो आज आप देख रहे हो रियलिटी में, मैं बता रहा हूँ सर, एक बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में मैं इसको ले आया हूँ। बिल्कुल, हमने जब फोटो देखे हमें दिखा रहे थे। सर वही चीज है, मतलब बहुत खराब हालत में था। बिल्कुल सर, ठीक है। ये खासतौर से मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जरूरी है जो एस्थेटिक्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट को जज करते हैं। बिल्कुल सर, तो उनको ये देखना होता है कि 2-3 चीजों की लिमिटेशन है, एक तो क्या कंडीशन थी, दूसरा जो रेजिडेंट है उनके अपने टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, तीसरे उनके बजट क्या है, बजट्स क्या है, उनकी यूटिलिटी उन्हें कितनी चाहिए, उनको स्टोरेज कितना चाहिए, उन्हें मैक्स टू मैक्स स्टोरेज पे ज्यादा दिमाग देना होता है। बिल्कुल, उनको जो है मतलब ये सर वही चीजों को हम देखते हुए इस प्रोजेक्ट्सों को करते हैं। चलिए, आपके पीछे जो है जनरली लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जो हमने फीचर वॉल किया है। बिल्कुल सर, देयर इज अ डोर है ना, जनरली लोग प्लेन वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं। बिल्कुल सर, रोबर्टो कवाली है ये, रोबर्टो कवाली। अच्छा चलिए ठीक है, आपने लग्जरी सेगमेंट का वॉलपेपर यूज़ कर। बिल्कुल सर, एक मैंने ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया क्योंकि इसका हमारा साथ साथ था तो बहुत प्यारा, हमने ये हमारी जंगल बुक में है रोबर्टो कवाली का। अच्छा, तो उसमें से हमने ये एक यूज किया है पेपर। राइट, ओके। अब पीयूष जी 2-3 चीजें, फ्लोरिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइल्स में है ब्लैक कलर। बिल्कुल सर, कौन सा ब्रांड है सर? ये हमारा सुमानी का ब्रांड है। अच्छा। और 2x4 का साइज है इसका। और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने सीलिंग करी है वो बहुत नॉमिनल सीलिंग करी है। देन हाँ बिल्कुल, और इसमें हमने जो है लाइट इफेक्ट्स वही अपना सेम व्हाइट COB एंड कोव लाइट्स, कोल व्हाइट। एंड देन आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे भी हमारा कितना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है लाइट्स का जी। ठीक है, डन। अब फीचर वॉल में एक चीज और हमसे मिस हो गई थी कि ये जो सॉरी टीवी यूनिट है ये हमने टाइल्स में लिया है। ये टाइल्स में सर, ये अपना बुक मैच टाइल्स है जिसका पूरा हमने 8x4 का एक साइज बुक मैच करके निकलता है, वो हमने पूरा कंप्लीट इंस्टॉल्ड किया। इसी के ऊपर हमारा जो है 55 इंच का टीवी आएगा। ऑलराइट, ये हमने खुद बनाया नीचे, ये हमने पूरा सर पूरा ही हमने खुद बनाया है टोटल A to Z। ठीक है, जो भी यहाँ वर्किंग हो रखी है सर वो हमारी यहीं पे हुई है, कस्टमाइजेशन करिए। चलिए व्हील चेक आउट, इधर चले। बिल्कुल सर, तो एक पार्टीशन है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बिल्कुल सर, मतलब जो आज हमने बताया कि शुरू में वीडियो का पूरा आइडिया ये है कि हम स्पेस मैनेजमेंट चाहिए
कि किस स्पेस को कैसे यूज करना है। तो ये आपने एक वॉल क्रिएट करके सर आगे टीवी कंसोल लिया है, देन बैक साइड पूरा बुक शेल्फ यूनिट है। ओके, बस ऐसे सीमेंटेड वॉल के आपने इसको वुड के अंदर मैंने क्रिएट किया ताकि मेरा स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और ये एक स्टोर रूम था सर, जिसको अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे कन्वर्ट किया है। देन इसमें मैंने एक स्मॉल टाइप ऑफ स्टडी यूनिट भी बनाया है जी, क्योंकि जहाँ जो इधर मैम है वो थोड़ा घर से ज्यादा काम करती है। अच्छा। एक उनके लिए मैंने पूरा वार्डरोब भी दिया है क्योंकि ये थोड़ा टेपर में था सर। अच्छा। तो मैंने टेपर में ही वार्डरोब बनाया है। ठीक है। एक हमारा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारा पूरा मंदिर है इनका, फेसिंग वाइज इधर हमने मंदिर क्रिएट किया है क्योंकि कहीं और हम पे स्पेस नहीं निकल पा रहा था जी। जो आप मेन इसका था सर ये चीज कि ये देखिए हमारी कितनी डेप्थ थी, जो हमारी वेस्टेज जाती। मैं चाहता तो ये कर भी सकता था, ये क्लाइंट की कोई डिमांड नहीं थी, बट फिर भी मैं ये सोच रहा था कि सर स्टडी आ रहा है तो बुक शेल्फ भी आना चाहिए। और मैं देन ऊपर बुक शेल्फ बनाता तो ये मेरा कमरा बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता। ठीक बात है। तो मैंने इस चीज को इस तरीके से पूरा माइंड मेकअप करा कि मैंने बुक शेल्फ यहाँ पे दिया। आप देख सकते हैं मतलब कितनी स्टोरेज है सर। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप इसको इसके मुझे एक दो फायदे और भी दिख रहे हैं, ऑफकोर्स जो आपने किया है मतलब माइंड ब्लोइंग है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर शटर्स लगाते थे ट्रांसपेरेंट तो भी ये छोटा हो जाता सर, फिर आपको छोटा हो जाता, फिर बुक शेल्फ का मजा नहीं रहता सर। बिल्कुल। बुक शेल्फ हमेशा सर ओपन होती है कि फटाफट उसमें सामान रखा निकाला, सामान रखा निकाला। ये कन्वीनियंट भी है और स्पेस सेविंग भी। बिल्कुल सर, आपको थोड़ा गहरा दिखता है वो। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ क्विकली। हम देख ले यहाँ पे हमने सीओ भी फॉल सीलिंग नहीं किया है, यहाँ पे नॉर्मल लाइट्स दी है। बिल्कुल सर। चलिए लेट्स गो विद यू, अब आपके साथ चलते हैं। और यहाँ पे क्या था, कुछ सीमेंट वर्क है, सिविल वर्क हुआ? नहीं सर यहाँ पे नहीं, ये इनका एक फॉयर एरिया ही था। देन अपना जो है फॉयर एरिया में एक बहुत ही प्यारा हमने इनका आप देख सकते हैं स्पेस वाइज भी जी, इसमें था सर काफी चेंजेस। ये इधर से क्लोजेड थी। अच्छा। ये बिल्कुल क्लोज थी यहाँ से, ये इनकी बालकनी थी। अच्छा। जिसको मैंने पहले पूरा कवर्ड कराया है। अच्छा। देन इसमें पूरा इनका यूटिलिटी एरिया सेपरेट बनाया है, पूरी पाइपलाइंस न्यूली कन्वर्ट करके देन सेपरेट आप देख सकते हैं क्वार्ट्स लगाया है। देन डबल पॉट का मैंने सिंक यहाँ लिया है, यहीं पे ही मैंने गीजर रखा है। अच्छा। ताकि मेरी ब्यूटिफिकेशन जो फ्रंट से आ रही है जहाँ पे मेरा हॉब यूज होगा या मेरा पेंट्री यूज होगा, वहां पे मेरे को बिल्कुल भी, आपको देख सकते हैं कि आपको पूरा 4 फीट का बीच में गैप है। अच्छा। मेरे लिए यहाँ माइक्रोवेव के लिए भी मैंने स्विच सॉकेट का पूरा अलाउ वो पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, आराम से माइक्रोवेव देन उसके साथ कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए और दो तीन चीजें बाद में पूछेंगे, आप पहले बता दें फिर ब्रीफिंग फिर आपसे लेंगे। आप बताइए सर, आप पूरा टोटल हमारा क्वार्ट्स का स्लैब है सारा अपना टोटल ए टू जेड देख सकते हैं आपका। हाइड्रोलिक यूनिट्स हैं सारे हमारे इनोटेक। एक इसमें हमने जो है क्योंकि छोटी किचन है तो स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है, तो हमने एक पूरा 12 बास्केट का पेंट्री यूनिट भी क्रिएट किया है। अच्छा। 6 बास्केट अंदर है, 6 बास्केट हमारा इसमें डोर्स में होती है, अपना एडजस्टेबल होती है सर, क्लाइंट अपने हिसाब से अपने मटेरियल के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकता है। चलिए ये कस्टमाइज होती है अपने स्पेस के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से सर। अब स्टोरेज इसमें कहाँ है, लॉफ्ट भी है सर? सारी लॉफ्ट्स भी दी हैं, ऊपर एक ब्यूटीफुल के लिए हमने इसमें लाइट इफेक्ट्स भी डाले हैं। अच्छा। और बाकी आप सारा देख सकते हैं, टोटल हमने ये क्वार्ट्स यूज किया है जो स्टेन फ्री रहता है, जो बने ही केवल अपना जो है एक तरीके से किचन के टॉप्स के लिए है। चलिए और राइट, सारे लाइटर शेड्स में हम लोग। अब मेरे पास जो सवाल थे वो पूछ लेता हूँ मैं, कलर्स जो है यहाँ पे डिफरेंट है। जनरली आप शुगर केन वाइट यूज करते हैं? बिल्कुल सर। यहाँ पे हल्का सा टिंच ऑफ लेवेंडर है। हाँ जी हाँ जी, इसमें थोड़ा सा सर ये मतलब एक हमारी क्लाइंट की चॉइस भी रही और एक हमारी भी रही, तो उनको थोड़ा सा कलर वेरिएशन में वो जाना चाहते थे, तो हमने थोड़ा सा लेवेंडर शेड में यहाँ पे हमने पूरा करा। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी जी? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पर जो है मतलब एक रॉयल का L126 शुगर नट। हाँ, जो आप हमेशा यूज करते हैं। हमेशा यूज करते हैं, पर ये था कि सर थोड़ा सा नया वेरिएंट भी लाना चाहते हैं। कई बार उसमें चीजें कुछ अच्छी निकल के आती हैं, कई बार चीजें उसमें थोड़ा सा कम रह जाती हैं। ठीक बात है, बट मुझे लगता है कि लेवेंडर का जो हल्का सा इसमें टच है वो बेसिकली वो दैट गोज इन अ डिफरेंट मूड ऑल टुगेदर, वो अलग मूड में चला जाता है, अलग मूड में चला जाता है। अगर व्हाइट रहेगा तो मेरे ख्याल से विल बी बेटर, बेटर। बिल्कुल सर। ओके चलिए, टाइल्स की बात करेंगे भी यहाँ पे सेम हमने सर अपना ग्रे टोन में
जैसे इसके अंदर हमारा जो पत्थर की लुक आ रही है, सेम हमारी ग्रे टोन, मतलब व्हाइट एंड ग्रे में पूरी किचन को क्रिएट किया है। चलिए, पूरा किचन इधर ही तैयार हुआ है या फिर सारा टोटल सर इधर ही क्रिएट किया है, हर एक चीज सर? ठीक है, क्योंकि जो मॉड्यूलर फॉर्म में होती है उनके बजट थोड़े ज्यादा होते हैं, बजट्स भी ज्यादा होते हैं सर, फिर वो एक तरीके से जहाँ पे भी एडजस्टमेंट करी जाती है, या तो सर कोई बड़े एरिए हो, नहीं तो वो ओवरऑल स्पेस बहुत खाती है सर। ठीक बात है। तो मुझे एक सवाल था आपसे कि जनरली आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को नहीं समझते। बिल्कुल। कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट यह है कि आपको हर ग्रेड्स के आपको एक्सेसरीज मिलती हैं किचन में, आपको एक ब्रांड ए ग्रेड भी है, बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है, हल्के भी है, महंगे भी हैं और बहुत प्रीमियम भी है, अल्ट्रा प्रीमियम में भी आते हैं। तो कॉस्ट को लेकर हम लोग बड़े सीक्रेटिव रहते हैं, हम नहीं बताते, इसीलिए शायद नहीं बताते क्योंकि ये वेरिएशन लोगों को नहीं पता है सर। नहीं देखिए, इसके पीछे ये रीजंस नहीं है सर, इसके पीछे रीजंस ये रहते हैं कि सर देखिए, हर एक आदमी का एक बजट है, उस बजट को भी सर ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई क्लाइंट है सर, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी काफी पूरी फुलफिल भी करनी पड़ती है, तो हम उस चीज में उनके हिसाब से क्या उनको बेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अब ये किचन है, अगर आप इसका कॉर्कस से लेके और शटर से लेके और माइका वेनियर्स और फ्लोरिंग ले लें, तो ये आप इसको किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं, किसी भी लेवल पे है सर। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें हमने ये हाई ग्लॉस माइका यूज करी है जी। सर इसी की जगह पे इसके अंदर हम हाई ग्लॉस 2 mm का एक्रेलिक यूज कर लेते, अराउंड ऑफ आप मान के चलिए 30-40,000 रुपीस नियर अबाउट इसमें इंक्रीज हो जाता और। बिल्कुल, मतलब है जी। अब जैसे यही पेंट्री है सर, इसमें हम साटन की पेंट्री लगाई है हमने, ये हमारा 12-13,000 रुपए की कॉस्टिंग करती है सर, नियर अबाउट। मैं आपको रियलिटी बताऊं, वैसे मैं प्राइस नहीं बताता, जब आपने आज क्वेश्चन किया है तो मैं उसमें बता रहा हूँ। अब सर पेंट्री 1.5-1.5 लाख रुपए की आ रही है। बिल्कुल। और आपको बताए, अब जैसे हॉब्स हैं, हॉब्स कितने तरह के आते हैं? सर मान के चलिए कि जैसे आपने शटर स्ट्रेट रखे हैं, आप इनको बाईफोल्ड रखेंगे, बाईफोल्ड रख लीजिए सर, इसके अंदर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स आ रहे हैं जो सर एक सिंगल यूनिट 35,000 रुपीस के मैकेनिज्म्स हैं। बिल्कुल, सेंसर बेस है, बस सेंसर बेस सिस्टम आ रहे हैं, टच सेंसर आ रहे हैं। वो तो सर देखिए, फिर नेचुरल सी बात है कि सर जिसकी जितनी कॉस्टिंग है उसको उस हिसाब से ही कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए ये वाला डिस्कशन आपसे कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं इस डिस्कशन को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फर्नीचर, इंटीरियर, होम डेकोर, फर्निशिंग, मतलब दे टेक जस्ट 2 मिनट्स कमेंट लिखने में कि कॉस्ट ज्यादा है, लूट रहा है ना, बंदूक से है सर। देखिए, और एक मित्तल साहब है, वो तो मतलब ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, हम उनको इतना बताते हैं कि क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल टाइल्स, अब आप देखें ये टाइल्स आप चाहें तो किसी भी रेंज में आप सभी टाइल्स मतलब आप देखिए, जैसे ये 4x2 का टाइल्स लगा रहे हैं, ये अपना 55-60 रुपीस पर स्क्वायर फीट है। अब इसी में आप 1x1 पे आ जाइए, 15 रुपए पर स्क्वायर फीट भी है। बिल्कुल। और आप इसके अंदर अभी एक आप जो है मोजैक में आ जाइए, बहुत अल्ट्रा लग्जरियस में आ जाओ, तो अभी आपका 600, 700, 1200 जो मैंने ही आपको एक वीडियो भेजा है, सर आप देख सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग है, आपको 600 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसको लगाने वाला जो लेबर है ना सर, आज तो टुडे इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग वीडियो, सोचा था 10 मिनट में रैप अप करेंगे, लेकिन जो उसको लगाने वाला सर बंदा है ना, उसने बोल दिया था कि जो आप इससे लगवा रहे हैं ना, ये जहां से मैंने लिया था वर्सेटाइल टाइल फ्रॉम जयपुर, उनसे लिया है मैंने, वो उसकी कॉस्टिंग आ रही है लगभग 700 रुपए पर स्क्वायर फीट। उन्होंने बोला था किसी भी नॉर्मल आदमी से इसको इंस्टॉल नहीं कराना, जो मोजैक इंस्टॉल्ड करता है वो प्रॉपरली मोजैक ही इंस्टॉल्ड करता है, वो आम नहीं है। जो इटालियन इंस्टॉल्ड करता है वो टाइल इंस्टॉल्ड नहीं कर सकता, जो टाइल इंस्टॉल्ड कर सकता है वो इटालियन इंस्टॉल्ड नहीं कर सकता। पता नहीं अलग अलग हर चीज की कैटेगरीज है, बिल्कुल बहुत सारे इसमें वेरिएशन है। इंटीरियर की फील्ड में सर देखिए, आप मान के चलिए एक प्रोजेक्ट 1,00,000 में भी बनाया जा सकता है और एक प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए में भी बनाया जाता है, सेम प्रोजेक्ट सेम स्पेस। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस कम है तो पैसे कम लगेंगे या पैसे ज्यादा लगेंगे सर, मेन डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्किंग आप कराना चाहते हैं और कितने लेवल पे कराना सकते हैं, बेसिक में, मीडियम एंड पे या अल्ट्रा लग्जरियस में। आप बेसिक थीम कराते हैं 10-12 लाख रुपए में आपकी वर्किंग हो जाती है, आप इसको मीडियम में चले जाते हैं 25 लाख रुपए के आसपास वर्किंग चली जाती है, आप अल्ट्रा लगे उसकी कोई कॉस्ट नहीं है सर। बिल्कुल, मुझे गोल्ड के शटर्स अच्छे लगते हैं। तो किचन मेरा कितना कॉस्ट आएगा? बस सर वही चीज है, इट्स अ बिग जोक। ओके ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट है ना। मैं मेरे पास मैसेज आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि सजेस्ट मी एनी डिजाइन, मैं बोलता हूं बजट बताओ, दे डोंट ओपन द बजट, आई डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग, मुझे मालूम नहीं रहा कि सर हर चीज देखिए बजट पे डिपेंड करती है। मेरे आप मान के चलिए सर 10 लाख रुपीज से लेके 2 crore तक के प्रोजेक्ट्स रनिंग है, कोई देखना चाहे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स ऑन स्पॉट, इस समय एक बहुत ही बिग प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है
किसी को देखने का मन हो, अल्ट्रा लग्जरियस मैं कहता हूँ, मतलब उसकी एक एक यूनिट कोई देखेगा तो वो बिल्कुल हटके है चीजें। मगर सर सब पे डिपेंड करता है कि कौन कितने उसमें जाना चाहता है, तो उसी हिसाब से हम कस्टमर को उस चीजें बताते हैं। शुरू में हमें हट करता था कि जब लोग फर्नीचर यूनिट पे लोग कमेंट किया करते थे प्राइस को लेके या फिर आपके प्रोजेक्ट पे, किसी और के प्रोजेक्ट पे, बहुत आते हैं उस चीजों को, बहुत आते हैं। आपके साथ 67 वीडियोस ओनली इंटीरियर्स की हो चुकी है, यदि हम उस चीज को देखते हैं तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते, बट अच्छी बात है कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है करके दिया है। पहले क्या था अपना, यहाँ पे वार्डरोब ही था सर, बट छोटा वार्डरोब था। अच्छा, एक्चुअली में बिल्डर ने बना रखा था, इसमें कम से कम भी हम मान के चलिए 5-5 इंची की तो पैकिंग डाल रखी थी। अच्छा, तो जिसके लिए आप समझिए सर, एक कस्टमर का मेरा 10 इंची का तो वेस्टेज चला गया। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पूरा एंड टू एंड वो चीज ले ली। देन ऊपर सर मेरे लिए कस्टमर को सिर्फ यहाँ तक का दे रखा था, बाकी क्लोजेट बना रखी, बंद कर रखा था। पूरा मैंने लॉफ्ट यूनिट उसमें क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब मेरे रूम में थोड़ा सा स्पेस कम था, मैंने बेड उस हिसाब से, अब उनको लिए ड्रेसर नहीं मिल रहा था, मैंने एक प्रॉपरली छोटा सा स्मॉल टाइप ऑफ ड्रेसर भी दिया। जी देखिए, जहां जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, मैंने जितना फुलफिल करना चाहा उतना फुलफिल किया है उनके। इसका हमने इसके अंदर जो है टाइल्स यूज करा है 2x4 का, सुमानी का ही है ये भी। अच्छा, हाँ जी, ये भी सुमानी का टाइल्स है। अच्छा, और आप देख सकते हो कि सर आपको कहीं से लाइनिंग्स नहीं पता लग रही होंगी कि बेसिकली जोड़ कहाँ पे है। हाँ, सीमलेस है, पूरा ऐसा लग रहा है कि आपको 1x1 के पीसेस लगा रखे हैं, बट ये 4x2 का पीस है जी। देन कंप्लीट जैकवार फिटिंग्स के साथ में सेम हमारा जो हमेशा होता है, एंड अपना ग्रेट सीलिंग लाइट इफेक्ट्स एंड एंटी स्केट टाइल्स है हमारी। और स्पेस वाइज आप देख सकते हैं पूरा शावर एरिया सेपरेट है, एंड अपना जो है पॉट एरिया सेपरेट है, एंड बहुत कम स्पेस था, फिर भी उस स्पेस के हिसाब से ही हमने जो है वैनिटी एरिया भी क्रिएट किया। बहुत छोटा वैनिटी है इसमें सर, बहुत छोटा, क्योंकि देखिए सर स्पेस नहीं था, ज्यादा आगे लाएंगे क्योंकि यहाँ नाली अड़ रही थी। अच्छा, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही थी, तो हर चीज को सर दिमाग में भी रखना पड़ता है। ये अपना, ये भी रूम अपना काफी खुला है, इसका बाथरूम भी हमने पूरा न्यूली क्रिएट किया है, पूरा डिसमेंटल करके। यहाँ पे भी वॉलपेपर और फ्लोर को लेकर सेम प्रिंसिपल, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल वो है, बट आप इसमें आएंगे तो देखेंगे बाथरूम हमने बहुत इसमें लाइट टाइल्स पूरी यूज की है, क्योंकि बाथरूम का स्पेस बहुत छोटा था। इसमें हाइलाइटर्स के लिए हमने 2 वॉल्स क्रिएट की है, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, अब देखिए इधर भी सेम हमने लिया, बिल्कुल ओके। इसमें देखिए, हम पे वैनिटी के लिए स्पेस अच्छा था, तो हमने इसमें काफी अच्छा अपना वैनिटी यूज किया। चलिए, कौन सा टाइल्स यूज किया सर यहाँ पे? सर सारा सुमानी। ओके, और ये क्वार्ट्स है क्या? ये क्वार्ट्स है सर, ये हमने ऊपर की अपना शैम्पूज वगैरह कुछ भी रखने के लिए, तो आराम से एक पूरा स्पेस हमारे लिए मिल गया। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने क्वार्ट्स इस तरह का इस्तेमाल किया। क्यों, ये किचन का बचा पीस है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, अब काफी तरह हमारी, अब काफी वीडियोस में भी आप देखेंगे हम क्वार्ट्स ही यूज कर रहे हैं टॉप पे। अच्छा, टॉप के ऊपर, अदरवाइज ऑप्शन क्या होता था? अदरवाइज सेम टाइल। ठीक है, आई लाइक दिस बाथरूम। अब तक आपने बहुत सारे बाथरूम डिजाइन किए हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि फीचर वॉल एक परफेक्ट जगह पे है, और साथ में यहाँ पे जो है, ये कौन सी टाइल यूज किया आपने? सर सुमानी की। क्या इसमें ऑलरेडी ग्रूव्स था या आपने करवाए हैं ये? इसमें नहीं नहीं, ये तो सर ऑलरेडी ग्रूव्स है। अच्छा ठीक है, ओके पीयूष जी, टाइम टू से गुड बाय, लेकिन कुछ सवाल होते हैं, कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को? सर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा 70-80 डेज लगे हैं हमारे लिए जी कंप्लीट, और अभी इसकी लास्ट डेट हमारी जो है 25 है, बट हम कल डिलीवर कर रहे हैं 15 फेब को, बिफोर टाइम। बिफोर टाइम, चलिए बजट का नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे किचन में डिस्कशन हो गए हैं उसके ऊपर, हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया कि किस रेंज में कैसे जाना होता है। बिल्कुल सर, क्या हमारी सर्विसेज दिल्ली एनसीआर के बाहर अवेलेबल है? सर दिल्ली एनसीआर के बाहर बिल्कुल अवेलेबल है, यही चीज मैं बोलना भी चाह रहा था कि हमने पैन इंडिया वर्क स्टार्ट कर दिया है, और देन पैन इंडिया में सर हमारी कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं, वैसे ज्यादातर हम कवर अप कर रहे हैं, बट थोड़े से बिग प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, क्योंकि सर आप भी समझते हैं कि पर्टिकुलर हमारी जितनी टीम्स होती हैं वो सर हमारे पास से ही जाती हैं, वायबिलिटी होती है, सेम स्टेट्स की लेबर यूज नहीं करते हैं। क्या बजट का लेते हैं दिल्ली सर? मान के चलिए कि अराउंड ऑफ आपका 30+ का, 30 लाख प्लस का। चलिए ठीक है, फॉर टन की प्रोजेक्ट्स यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद पीयूष जी, थिंग्स आर मेड वेरी क्लियर, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रेड टू एनी ग्रेड। सर हर ग्रेड का मेरे पास में क्लाइंट कॉल करे, उनको उनका किस लेवल पे उन्होंने वर्क कराना है, 10 लाख से नीचे मैं वर्किंग करता ही नहीं हूँ सर, हर वीडियो में मैंने क्लियरली बोल रखा है कि 10 लाख अबव के प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, एंड जिस लेवल का भी प्रोजेक्ट्स उनको देखने का मन है वो एवरी टाइम बिल्कुल हमारे पास कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हम पूरी प्रॉपरली मीटिंग करेंगे और उनको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बता देंगे कि किस रेंज में हमारा प्रोजेक्ट जाएगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू। उम्मीद करते हैं अब हम जल्दी जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।